जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पढ़ी कि कल हमारे तीनों सेना प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये कुछ एक समाचार पत्रों में एक खबर छपी हुई है। आज इस वीडियो में एक मोटी मोटी चर्चा कि कल हमारे तीनों सेना प्रमुख, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, जो ऐलान करने जा रहे हैं टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी का, तो वो किस किस पर लागू होगी, किस किस पर नहीं, वो सारा इस वीडियो में बताएंगे। मैं यहाँ पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर परमानेंट भर्तियों के साथ छेड़छाड़ हुआ तो उसके लिए आंदोलन, कोर्ट, जो भी अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाएंगे। युवा घबराएं नहीं, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये टीओडी परमानेंट भर्तियों के साथ आया तो ये सेना के लिए भी, सेना को कमज़ोर करने का सिस्टम साबित होगा। अफसरों की तानाशाही बढ़ेगी। पहले ही ये अंग्रेजों के काले कानून, बूट पोलिश और कुत्ता घुमाना, सहायक प्रथा जो सेना में चल रही है, अंग्रेजों के काले कानून, जब अंग्रेज अफसर थे और जवान भारतीय, तब से ऐसे ऐसे नियम हैं जो सेना में चल रहे हैं और ये लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते अपने निजी फायदे के लिए। अगर इस सिस्टम के बाद में घूसखोरी, रिश्वतखोरी, गुलामी ये और बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन कल आने दो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि परमानेंट भर्तियों के साथ है, मैं अपने कहीं घर से कहीं बाहर हूँ, और बहुत से लोगों के मैसेज भी आए हैं कि सर ये सही है या गलत। तो सबसे पहले तो बता दूं कि इसका अभी कन्फर्म नहीं है कि बैठक कल ही होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चंद एक पॉइंट देना चाहता हूँ युवाओं को कि ये बैठक होगी, इसमें क्या फैसले लिए जाएंगे। और सबको पता है कि टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, जो आर्मी में तय कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आ सकता है। इस वीडियो में पूरी गाड़ी बताने से पहले मैं हमारे युवाओं को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फैसला जो भी हो किसी को, क्योंकि कई बार फैसले आते हैं, मैंने पहले भी देखा है कि दो साल से भर्ती नहीं होना, जो हमारा टेस्ट रुका हुआ है उसके बारे में भी बहुत से बीच में युवाओं ने मतलब गलत कदम भी उठाया, अपनी जान भी दी। तो एक तो फैसले को सुनकर कोई भी अचंभित या चकित मत रहना, फैसला कुछ भी आ सकता है, अभी जो भी बातें हो रही हैं सब आधारहीन है। दूसरी बात, ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस है, ये इसमें ऐलान कर रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, उसके बाद ये शनिवार को प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी, फिर मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से ये चीज़ें पास होंगी। यहाँ एक चीज़ फिर बता देता हूँ युवाओं को, फैसला आपको लगता है कि आपके हक में नहीं है, गलत है, वो हम लोग इसको सुनते ही आप लोगों को कल एक वीडियो के जरिए बता देंगे कि भाई ये हमारी सेना के लिए और हमारी युवाओं के लिए सही है या गलत। अगर, वीडियो फिर कह रहा हूँ आगे बताने से पहले, अगर फैसला युवाओं के लिए गलत हुआ, सेना के लिए गलत हुआ, तो हम लोगों के पास दो रास्ते हैं, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट और दूसरा आंदोलन। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किसानों पर जबरदस्ती जो बिल थोपा गया, किसानों को समय तो लगा लेकिन वो प्रधानमंत्री जी को बिल स्थगित करने पड़े, किसानों के सामने झुकना पड़ा सरकार को। तो आप लोग तो युवा हो, बोलते ना युवा सबसे शक्तिशाली होता है, देश का युवा बोलते ना, वो चाहे इतना दिन भी नहीं लगने देंगे जितना दिन किसानों ने लगाया, क्योंकि किसानों में कुछ पक्ष थे, वो चाहते थे कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो बदल दिया। लेकिन अगर युवाओं के लिए ये गलत फैसला हुआ तो युवा, मैं कहता हूँ कि दो दिन के अंदर ऐसा मूवमेंट चलाएंगे कि दो दिन के अंदर प्रधानमंत्री और सरकार को फैसला चेंज करना पड़ेगा, अगर हित में नहीं हुआ तो। यहाँ सबसे पहले बता दूं कि बहुत दिन से चर्चा चल रही है, ये तो कन्फर्म है कि ये 4 साल के लिए भर्ती होगी, ये कन्फर्म है। उसमें 75% को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा 4 साल के बाद में, 6 महीने की ट्रेनिंग करा के 4 साल में उनको जो आम सैनिक को दी जाती है वो सैलरी दी जाएगी, और 10-12 लाख देने के बाद में उनको रिटायर कर देंगे। ये भी कन्फर्म है कि वहाँ उनको पूर्व सैनिक का ये दर्जा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अगर उनको देंगे तो जो बाकी सर्विस करेंगे उनका क्या होगा। तो ये अभी तक फिर भी कहानियां मनगढ़ंत है। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ अभी इस आधार पर भर्ती होंगी, परमानेंट भर्तियां नहीं होंगी, टीओडी पहले के टेस्ट पर जिन्होंने फार्म भर दिया उन पर लागू होगा कि नहीं होगा।
मैंने बहुत से वीडियो में युवाओं को स्पष्ट कर दिया है, आज भी कर रहा हूँ, जिनका टेस्ट बाकी है, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन लोगों के ऊपर टीओडी लागू नहीं होगा। जिन्होंने अगर रनिंग वगैरह कर ली और आधा भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, उन पर लागू नहीं होगा। ये घोषणा होने के बाद में, प्रधानमंत्री मंडल से पास होने के बाद में ही ये नियम लागू होगा। अगर ये परमानेंट भर्तियों पर ये नियम आता है, मैं यहाँ फिर कह देता हूँ, अगर ये नियम परमानेंट भर्तियों पर लागू होता है, हालांकि हमने प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, सेना अध्यक्ष जी को, सबको लगातार कई दिनों से ट्विटर से लगाकर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ तक कि लिखित में चिट्ठियाँ देकर, फ़ोन कॉल करके कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। आप अगर बाहर देश के तर्ज पर करना चाहते हो, हमारे देश की हालातों को देखकर ये करना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि जो परमानेंट भर्ती है वो ऐसे कैसे रहें, और जो ओरेज हो जाते हैं या जो और अपनी इच्छा से आकर 4 साल में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दो कि भाई ये टीओडी के लिए भर्ती होगी और ये अपनी परमानेंट भर्तियों की होगी। परमानेंट भर्तियों से अगर छेड़छाड़ हुई तो ये देश की सेना भी कमज़ोर होगी, युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा, और कहीं ना कहीं ये अफसरों की जो तानाशाही है, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि ये पहले ही, क्योंकि जो अंग्रेज कानून छोड़ के गए हैं, बहुत से कानून आज भी सेना में चल रहे हैं। उस समय हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज भी गुलामों की कुछ चीज़ें ये बंद नहीं करना चाहते। आज के हमारे अधिकारी, जैसे सहायक प्रथा हो, बूट पुलिस कराना, कुत्ते घुमाना, मैडम बच्चों की सेवा करना, गाड़ियों का मिसयूज करना, ऐसी ऐसी पावर मेंटल घोषित कर देना, तो ये बहुत से पावर हैं जिनके लिए हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। और हमारे साथ आप देखते होंगे 6,29,000, जिसमें ज़्यादातर वर्तमान सैनिक और पूर्व सैनिक ही जुड़े हुए हैं। मैं युवाओं से बार बार आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ होता है तो फिर कह रहे हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, और उसके अलावा भी अगर आप नोटिफिकेशन में चेक करके ही इन भर्तियों में जाना आगे के लिए, एक बार भर्ती बायकाट कर दोगे, वैसे भी तो 2 साल नहीं आई तो कुछ नहीं हुआ ना, बोलते ना कि महाभारत नहीं हो जाता। एक भर्ती को बायकाट करो, टीओडी के नाम से मत जाओ, जिसको परमानेंट भर्तियां चाहिए, और जिन्हें सिर्फ शौक के लिए सेना में जाना है वो लोग टीओडी में जा सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट भर्ती चाहते हैं, और अगर ये नियम परमानेंट भर्ती का कल ऐलान हो जाता है, तो भर्तियों का बायकाट करेंगे, सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में इसको डालेंगे, और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ही हिला देंगे। बाकी कल जो घोषणा होगी उसके बाद आगे की रणनीति हम बता देंगे। फिर कह रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ तथ्य हैं, अभी तक कुछ चीज़ें हमारे सामने ये भी आ रही हैं कि भाई ये परमानेंट भर्तियाँ होती रहेंगी और ये अलग से भर्ती होगी, जो इसमें जाना चाहते हैं वो अलग से जाएगा। तो फिर कह रहा हूँ कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म कल घोषणा के बाद ही होगा। युवा धैर्य रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कोई भी दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड नहीं लें कि ये हो गया क्या होगा, बहुत से घबरा जाते हैं, हम तो जान देंगे, फलाना दे देंगे, नहीं, हम खड़े हैं आपके साथ, लड़ेंगे लास्ट तक। बिना घबराए अपने सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर करें, कल की खबर का इंतज़ार करें। अगर ये कल कॉन्फ्रेंस होती है तो, या आगे पीछे होगी तो फिर कल सूचना मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कल ये हो सकती है। वीडियो को शेयर करें और तैयार रहें, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नहीं कि हमारा जो मेरा हर जगह नंबर रविंद्र फौजी के नाम से मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि सर क्या करें फलाना, सिर्फ हमें इस घोषणा के बाद में 1 घंटा लगेगा, आपको अगली रणनीति सारी चीज़ें इसी चैनल रविंद्र फौजी XR मेरा टेक में डाल देंगे, सलाह लेकर तुरंत ही महाआंदोलन की तैयारी और सब कुछ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।